हेलो बच्चों, तो आपने इस साल रिपब्लिक डे बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। अपने स्कूल में फ्लैग होस्टिंग की होगी, नेशनल एंथम गाया होगा, परेड देखी होगी। लेकिन बच्चों, क्या ये नेशनल फेस्टिवल सिर्फ एक दिन का है? नहीं ना, आप हमारे देश के भविष्य हो और आपको अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपने देश के लिए रोज़ कुछ ना कुछ करना ही है। तो आइए सुनते हैं आपके जैसे ही एक क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे अथर्व अग्रवाल की जुबानी कि वह क्या सोचता है कि हम किस तरह अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आइए दोस्तों। हेलो दोस्तों, आई एम अथर्व अग्रवाल। आई एम स्टडिंग क्लास फिफ्थ। सो वी हैव सेलिब्रेटेड आवर 74th रिपब्लिक डे। सो हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज है, हमें सबसे समानता का व्यवहार करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। जैसे कि अपने क्लासमेट्स हो गए, अपने टीचर्स हो गए, जितने भी लोग हैं सबके हमें आदर से बात करनी चाहिए। ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हमें आदर से बात करनी चाहिए। और सेकेंड चीज है कि हमें अपने एनवायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स का ख्याल रख सकते हैं ना हम लोग, और अपनी जगह को क्लीन रखना चाहिए, एनवायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए। और थर्ड चीज, ये हमें अपने नेशनल सिंबल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, हमें नेशनल एंथम के समय खड़े होकर अच्छे से गाना चाहिए और हमें नेशनल फ्लैग को सलामी देना चाहिए। और हम सभी बॉर्डर पे जाके लड़ाई तो नहीं कर सकते, वॉर तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये कुछ छोटे से काम है जिनसे हम अपने देश के प्रति अपना देशभक्ति को दिखा सकते हैं, जगा सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद।